Hello students, today we study about the topics stack and macros in 8085 microprocessor. This is the last topic of this unit number 3. The outlines of today's lecture is, the first point is what is stack. We study about stack. Then push and pop instructions, then operation of the stack by push and pop instruction, then looping and counting techniques. In these techniques we will study about timing delay loop and counter loop, then designing of macros, then macro libraries. तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज स्टैक. जब भी 8085 में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जो टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है वो हमारा किस में होता है, स्टैक के अंदर होता है. द स्टैक इज ए ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन इन द रीड राइट मेमोरी रैम दैट इज यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. स्टैक का जो एड्रेस होता है वो हमेशा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर SP रजिस्टर में जाके स्टोर होता है. अब पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस कैसे वर्क करते हैं. स्टैक में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसको वापस से रीड करने के लिए पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज लेते हैं. पुश इंस्ट्रक्शन किस लिए काम में आती है, रजिस्टर पेयर से स्टैक में इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, स्टोर करने के लिए पुश इंस्ट्रक्शन का यूज लेते हैं और स्टैक से वापस से डेटा या इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज लेते हैं. पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन दोनों इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पेयर के लिए केवल और केवल वर्क करते हैं. और स्टैक हमेशा लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन को फॉलो करता है. ये एक एग्जांपल है जिससे हम ऑपरेशन ऑफ स्टैक को समझ सकते हैं. यहां पे हमने LXI SP मतलब कि स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में 82099 लोड होगा, उसके बाद LXI H 42F2H मतलब HL पेयर में 42F2 डेटा स्टोर होगा, उसके बाद पुश HL पेयर स्टोर HL पेयर टू द स्टैक एंड पॉप H स्टोर डेटा फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक टू HL पेयर. अब फॉर पुश H के लिए ये कैसे वर्क करेगा प्रीवियस प्रोग्राम. तो सबसे पहले अगर आप फिगर में देखोगे तो स्टैक पॉइंटर 1 से डिक्रीमेंट होगा, कौन सी लोकेशन पर पहुंचेगा 2098. उसके बाद एच रजिस्टर में जो कंटेंट था, एच रजिस्टर में कौन सा था 42, वो जाके कौन सी मेमोरी लोकेशन पर जाके कॉपी होगा 2098. और उसके बाद जो एल रजिस्टर का कंटेंट, एल रजिस्टर में क्या था F2, वो जाके कौन सी लोकेशन पे जाके कॉपी होगा 2097. तो इस ढंग से HL पेयर से डेटा कहां पे आ जाएगा, स्टैक पॉइंटर में. द कंटेंट ऑफ रजिस्टर HL पेयर आर नॉट डिस्ट्रॉयड, वैसे के वैसे ही बने रहेंगे. अब पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, तो आप फिगर में अगर देखोगे तो सबसे पहला काम स्टैक पॉइंटर 1 से डिक्रीमेंट होता है तो कौन सी पोजिशन पर आ जाएगा 2098. फिर जो उस लोकेशन पे डेटा है 2098 पे 42, वो जाके कहाँ कॉपी हो जाएगा एच रजिस्टर में. और उसकी नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन होगी 2097, उसका डेटा जाके कहाँ कॉपी हो जाएगा रजिस्टर एल में. और यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर HL पेयर आर नॉट डिस्ट्रॉयड. अब बात करते हैं लूप एंड काउंटिंग टेक्निक पे.
जब भी माइक्रोप्रोसेसर में किसी भी टास्क को बार बार रिपीट कराना पड़ता है तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लूपिंग ऑपरेशन। ये दो टाइप का होता है, एक तो कंटिन्यूअस लूप। कंटिन्यूअस लूप का मतलब क्या होता है, रिपीट्स ए टास्क कंटिन्यूअसली, किसी एक टास्क को कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहना। सेकेंड लूप कौन सा होता है, कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप क्या होता है, रिपीट्स ए टास्क अंटिल सर्टेन डेटा आर मेट। जब एक सर्टेन डेटा कंडीशन जब तक अचीव नहीं होगी तब तक वो टास्क क्या करेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। कंटिन्यूअस लूप जो आपके सिलेबस में है वो है टाइमिंग डिले लूप। ये इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे गिवन है, स्टार्ट फिर परफॉर्म टास्क और गो बैक एंड रिपीट। ए कंटिन्यूअस लूप इज सेट बाय यूजिंग अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन शोन इन फ्लो चार्ट। कैसे सेट होती है, अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन से। ए प्रोग्राम विद कंटिन्यूअस लूप डज नॉट स्टॉप रिपीटिंग द टास्क अंटिल द सिस्टम इज रीसेट। जब तक सिस्टम रीसेट नहीं हो जाता तब तक ये लूप कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहेगा। अब बात करते हैं कंडीशनल लूप की, जो आपके सिलेबस में है वो है काउंटर लूप। अच्छा, कंडीशनल लूप को कैसे सेटअप किया जाता है, जंप इंस्ट्रक्शन से सेटअप किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन किसके थ्रू लगाई जाती है, तो दीज इंस्ट्रक्शन चेक फ्लैग्स। फ्लैग्स को चेक करते हैं कौन कौन से, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग एक्सेट्रा, एंड रिपीट द स्पेसिफिक टास्क इफ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक टास्क क्या और होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, जैसा कि फ्लो चार्ट में गिवेन है। दीज लूप्स यूजली इंक्लूड्स काउंटिंग एंड इंडेक्सिंग। काउंटिंग और इंडेक्सिंग के लिए ये लूप यूज में आते हैं। कंडीशनल लूप इज शोन बाई द फ्लो चार्ट एज फॉलोज। फ्लो चार्ट में कंडीशनल लूप को अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे कंडीशनल डायग्राम बनाया है जिसमें लिखा है इज काउंटर इज जीरो, अगर नो तो वापस से वो रिपीट हो जाता है, नहीं तो यस के केस में स्टॉप हो जाता है। अच्छा, फ्लो चार्ट के स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, काउंटर इज सेटअप बाय लोडिंग एन अप्रोप्रिएट काउंट इन ए रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर में अप्रोप्रिएट काउंट को इनिशियलाइज किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, काउंटिंग इज परफॉर्म बाय आइदर इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग काउंटर। काउंटिंग कैसे परफॉर्म होगी, काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके। लूप इज सेट बाय कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। किसी भी कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करके लूप को सेट किया जाता है। एंड ऑफ काउंटिंग इज इंडिकेटेड बाय ए फ्लैग। जो भी काउंटिंग की एंडिंग है वो किसके थ्रू सेट की जाती है, फ्लैग के थ्रू। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है यहाँ पे लूपिंग का। उसके बाद आते हैं मैक्रोज। माइक्रो प्रोसेसर में कोई कोई इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट करना पड़ता है उनके कोड्स को, इसलिए इनको एक स्पेसिफिक प्रोग्राम, एक स्पेसिफिक कोड में चेंज करके उन माइक्रो प्रोसेसर बार बार नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको यूज़ में लेता रहता है, जो हमारे क्या कहलाते हैं, मैक्रोज। ए मैक्रो इज ए ग्रुप ऑफ रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम विच आर कोडिफाइड ओनली वंस एंड कैन बी यूज मैनी टाइम्स एज नेसेसरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, एट द मोमेंट व्हेन द मैक्रो इज एग्जीक्यूटेड ईच पैरामीटर इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द नेम और वैल्यू स्पेसिफाइड एट द एंड ऑफ द कॉल। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन से दैट प्रोसीजर इज एन एक्सटर्शन ऑफ ए डिटरमाइंड प्रोग्राम व्हाइल द मैक्रो इज ए मॉड्यूल विद स्पेसिफिक फंक्शन विच कैन बी यूज बाई डिफरेंट प्रोग्राम। एक मैक्रो को कई डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यूज में लिया जा सकता है। अच्छा, डिजाइन, मैक्रो को डिजाइन करने के लिए तीन स्टेप है। सबसे पहले डिक्लेरेशन किया जाता है, फिर कोड मैक्रो का लिखा जाता है, और उसके बाद मैक्रो का टर्मिनेशन किया जाता है। डिक्लेरेशन करने का तरीका क्या होता है मैक्रो को, कि नेम ऑफ मैक्रो, उसके आप आगे जो इतने पैरामीटर देने हैं, पैरामीटर वन एंड पैरामीटर टू। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी कोड है मैक्रो से रिलेटेड उस कोड को पूरा लिखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट, द डायरेक्टिव फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द मैक्रो इज एंड एम। जहां पे मैक्रो को एंड करना होता है वहां पे एंड एम टर्म का यूज लिया जाता है। ये एक प्रोग्राम है, कर्सर की पोजीशन
स्क्रीन के ऊपर डिटरमाइन करने का, जिसके लिए एक मैक्रो प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आप देखोगे तो पोजीशन मैक्रो, मैक्रो नेम दिया है और पैरामीटर कौन से दिए हैं, रो और कॉलम। यहाँ पे पुश और एमबीआई का इंस्ट्रक्शंस का यूज करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है, एंड किया गया है, देखिए एंड एम से। तो इस ढंग से मैक्रो की डिजाइनिंग होती है। यही वो तीन स्टेप है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, डिक्लेरेशन ऑफ मैक्रो, कोड ऑफ द मैक्रो, मैक्रो टर्मिनेशन डायरेक्टिव। अब लाइब्रेरी कई सारे मैक्रो को एक साथ किसी फाइल में क्रिएट करना क्या कहलाता है, मैक्रो लाइब्रेरी। वन ऑफ द फैसिलिटीज दैट द यूज ऑफ मैक्रोज ऑफर्स इज द क्रिएशन ऑफ लाइब्रेरी विच आर ग्रुप ऑफ मैक्रोज विच कैन इंक्लूडेड इन ए प्रोग्राम फ्रॉम ए डिफरेंट फाइल। नेक्स्ट पॉइंट, द क्रिएशन ऑफ दीज लाइब्रेरीज इज वेरी सिंपल। वी ओनली हैव टू राइट ए फाइल विथ ऑल द मैक्रोज विच फाइल विच विल बी नीडेड एंड सेव इट एज ए टेक्स्ट। हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं लाइब्रेरी बनाने के लिए, जिसमें जितने भी मैक्रोज हैं उसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में सेव कर देते हैं। और जब भी उनको कॉल करना होता है तो नेम ऑफ द फाइल के अकॉर्डिंग हम उसको कॉल कर सकते हैं। टू कॉल दीज मैक्रोज इट इज ओनली नेसेसरी टू यूज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, इंक्लूड नेम ऑफ द फाइल ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम व्हेन वेयर वी वुड नॉर्मली राइट द मैक्रोज। दिस इज एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द मेमोरी मॉडल। मेमोरी मॉडल के डिक्लेरेशन से पहले हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं मैक्रोज को यूज में लेने के लिए। तो देन दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द टॉपिक्स ऑफ फोर्थ यूनिट। थैंक यू।